हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से गार्डन का एक ऐसा काम शेयर करने वाली हूं जो कि हमें समय समय से करना ही पड़ता है। ना चाहते हुए भी उन कामों को करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सब करते हैं तभी आपका गार्डन सुंदर व स्वच्छ बनेगा और आपके प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। यही सब हमारी आज की इस वीडियो में है, तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए जानते हैं वो कौन से काम हैं जिन्हें करना बहुत ही ज़रूरी है और बिना उनको किए गार्डन को हम सुंदर व स्वच्छ नहीं बना सकते हैं। तो समय निकाल करके आपको ये सब करना ही होगा और आज मैं वही कर रही हूँ। जैसे कि ये है पॉट और ये इसमें लगे हुए हैं रजनीगंधा। और काम इतना है गार्डन में कि काम करने की जगह है, पुराने काम छूट जाते हैं और नए कामों को करते हुए आप इतना व्यस्त हो जाते हैं कि पुराने कामों को पीछे छोड़ देते हैं। तो आज उसी पुराने कामों को मैं कर रही हूं और मैं अपने गार्डन में घास वगैरह जो भी है उनको निकाल रही हूं। ये ग्रुप में रखा हुआ था और बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई हैं, क्योंकि घास छोटी होती है तो नहीं निकलती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है तो हाथों से वो इजीली निकल जाती है और थोड़े जड़ के साथ निकलती है। तो यही मैं आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और घास निकालना है तो आप, अगर पॉट को साफ़ सफाई करना है तो शाम को आप पानी ज़रूर दीजिए, और पानी देने के बाद जब मिट्टी में नमी होगी तभी वो घास अच्छी तरह से उखड़ सकेगी। तो देखिए इस तरह से एक एक करके उखाड़ना है। अगर आप एक साथ ज़्यादा घास को पकड़ेंगे तो वो नहीं उखड़ेगी, और एक एक करके अगर उखाड़ते हैं तो बहुत ही ईजिली वो उखड़ जाएगी। इतनी सारी मैंने निकाली हुई है, अभी चलिए और भी निकाल लेते हैं। एक एक करके मैं इसको निकालूंगी और पॉट को साफ़ सुथरा व स्वच्छ बनाऊंगी ताकि हमारे प्लांट अच्छी ग्रोथ कर सकें। एक एक घास पकड़ करके निकालना है। अगर एक साथ आप कई घास को पकड़ेंगे तो वो नहीं निकलेगा। और इसमें रजनीगंधा है, घास ने रजनीगंधा को एकदम दबा दिया था और अभी आप मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और अब इनकी अच्छी ग्रोथ होने वाली है। पॉट को मैंने पूरी तरह से साफ़ कर दिया है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब इसकी नई ग्रोथ होगी और इसमें फूल खिलेंगे। इसी तरह से मैंने तीनों पॉट को साफ़ सुथरा कर दिया है, काफ़ी ढेर सारी घास निकली हुई है। ये एक और पॉट है और इसमें मैरीगोल्ड लगा हुआ है, कुछ घास इसमें भी हो रही हैं और मैं एक तरफ से निकाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा काम रोज़ करने से काम आसान हो जाता है, तो एक ही दिन नहीं पर थोड़ा थोड़ा काम आप रोज़ करते रहिए तो आपके गार्डन में प्लांट अच्छी ग्रोथ पे रहेंगे। और इसमें एक धतूरा निकला हुआ है, इसको मैं नहीं हटाऊंगी और ये इसी में रहेंगे। और देखिए मैंने इसमें भी घास निकाल दी है और घास निकालने के बाद अब हम इसमें गुड़ाई कर देंगे। आप किसी भी टूल की मदद से गुड़ाई कर सकते हैं। पॉट को नीट एंड क्लीन बनाना है और गार्डन को सुंदर व स्वच्छ बनाना है तो ये सब काम हमेशा ही करते रहना है। मैं इसी तरह से अपने सारे पॉट क्लीन करती रहती हूँ। अगर इनको समय से नहीं निकाला जाएगा तो इसमें जो घास है ये अच्छी तरह से जड़ बना लेंगी और जब जड़ बन जाएगी तो प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं करेगा और देखने में भी पॉट अच्छा नहीं लगेगा और फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। इन सब बातों का आप ध्यान रखते हुए और तब ये सब काम करें। ये नागचंपा है और इसके पॉट में भी काफ़ी घास हो गई है, ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। अब इसमें फ्लावर आने वाले हैं और कुछ विनका इसमें अपने आप ही उगे हुए हैं और उगे हुए विनका को मैं रहने दूँगी और जो भी घास वगैरह है उनको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि पॉट थोड़ा बड़ा है और कोई भी फ्लावर प्लांट अगर अपने आप उगता है तो वो कुछ ही दिन चलता है और उसके बाद वो डेड हो जाता है। तो जो भी फ्लावरिंग होगी और अच्छी ही होगी और मैं इनको छोड़ देती हूँ। बाकी क्या है इसमें फालतू चीज़ें जो उनको मैं निकाल देती हूँ। इस तरह से साफ़ हो गया ये पॉट हमारा। ये एक और पॉट है और आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक ज़ोरा लगाया हुआ है, ये रेड कलर का एक ज़ोरा है और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। कटिंग से मैंने इसको पिछले साल लगाया हुआ था, अभी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है और इसके पॉट में काफ़ी घास वगैरह हो गई है। तो मैं इसे भी साफ़ कर देती हूँ, फिर देखती हूँ ये कैसे लगते हैं देखने में।
प्लांट को बचाते हुए ही आप पॉट की साफ़ सफाई करें, प्लांट आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप उसकी साफ़ सफाई कर सकते हैं। पॉट को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है प्लांट हमारा, और अब इसकी ग्रोथ होने वाली है। मैं इसको कुछ दिनों में फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी ताकि इसमें भर भर के फूल आए, और इतनी सारी इसमें से घास निकली हुई है। तो पॉट को क्लीन इसी तरह से करना है और साफ़ सुथरा करेंगे तभी प्लांट हमारे अच्छी ग्रोथ पर रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने सभी प्लांट्स को इसी तरह से केयर करेंगे और उनके सुंदर सुंदर फूलों का आनंद उठाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।